हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आर के मेकओवर में। आज हम आपके लिए लाए हैं, आपको ब्राइडल जो है उनके लिए स्पेशल ये वीडियो बन रही है, आपको कैसे अपनी शादी की तैयारियां करनी है, क्योंकि बहुत सारी टेंशन हो जाती है। मैं अगर आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मेरी शादी 15 डेज में हो गई थी, और वो कैसे दिन थे, कैसे हम लोग सुबह निकलते थे और शाम तक शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग, तो बहुत बुरी हालत हुई थी। और मेरी 6 जुलाई को मेरी एनिवर्सरी है, तो इन्हीं दिनों हम मेरी फंक्शन चल रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं ऐसी वीडियो बनाऊं जिन लोगों की शादी है उनके लिए कुछ छोटे से टिप्स हैं जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप अपना एक बजट बनाएंगे, कितना अमाउंट है आपका जो आपको अपनी ज्वेलरी पे, अपनी ड्रेसेस पे, फुटवेयर्स पे और अपने मेकअप पे खर्च करना है, तो उसका एक बजट बना लीजिए। उससे क्या होगा, आपका ये नहीं होगा कि ज्वेलरी पे ज़्यादा खर्च हो रहा है। ज्वेलरी पे हम ज़्यादा खर्च करते हैं, बट एक वो फिक्स अमाउंट हो जाता है। तो मैं आपको एक और वो देना चाहूँगी एडवाइस, आप ज़्यादा अपने फुटवेयर से, अपने क्लॉथ से, अपने मेकअप से ज़्यादा आप अपनी ज्वेलरी में इन्वेस्ट करें, क्योंकि ज्वेलरी एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारे पास हमारी एक इन्वेस्टमेंट होती है। तो मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस ये कहता है, तो हमें अपनी ज्वेलरी पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि फैब्रिक पे हम लोग क्या सोचते हैं, अरे हमारी शादी हो रही है तो बहुत सारे हम ड्रेसेस बनवाए, बट उससे होता क्या है, शादी में हमारे ससुराल की तरफ से भी बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं, तो इतने हम लोग पहन भी नहीं पाते और उनका फैशन आउट हो जाता है। मुझे अच्छे से याद है, 14 ईयर्स मेरी शादी को हो गए हैं, 6 तारीख को 14 ईयर्स हो जाएंगे, तो मेरी कुछ साड़ीज़ तो ऐसी हैं जो आज तक पैकिंग में रखी है मैंने, उनको उनका ब्लाउज़ भी आज तक नहीं सिलवाया है। तो अब मैं सोच रही हूँ, क्योंकि वो बनारसी साड़ी है, तो सोचा ट्राई कर लेती हूँ, बट वो फिर फैशन आउट हो जाता है। तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप ज्वेलरी में ज़्यादा इन्वेस्ट करें। कपड़े तो हम हमेशा खरीद सकते हैं, तो ज्वेलरी भी बनवा सकते हैं, बट एक होता है कि आप उसमें इन्वेस्ट करें। तो सेकंड फर्स्ट आप करें कि आपको सबसे पहले तो आप जहां आपका ससुराल है, आपको ये पता होना चाहिए कि वहां पे किस तरह के कपड़े पहने जाते हैं। ये ना हो कि आपने कुछ कपड़े ले लिए और वहां पे पहनना अलाउड ही ना हो, तो वो थोड़ा सा बुरा लगता है कि हमने कपड़े बनाए और हम नहीं पहन पाए। तो इसलिए वो चीज़ आप पहले से ही पता करके रखें कि किस टाइप के कपड़े आपको पहनना अलाउड है, तो आप उसी चीज़ पे अपना पैसा इन्वेस्ट करें। अब बात है ज्वेलरी की, ज्वेलरी तो आप अपनी पसंद से लेंगे ही, बट कुछ अपना डेली यूज़ के लिए भी कुछ हल्का बनवाइए, जैसे एक पतली कोई चेन बनवा ली, पतली पतली रिंग्स बनवा ली जो हम डेली में पहन सकते हैं। अगर कोई ऑफिस जाने वाला है तो वो उसको डेली कैरी कर सकता है, तो इस तरह की ज्वेलरी भी, कुछ लाइट भी आप ज्वेलरी बनवाइए, और हैवी तो बनवानी ही है। अब हम बात करेंगे मेकअप। मेकअप किट में आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेना, आप जो भी प्रोडक्ट लें, क्योंकि ये आपका फेस है और स्किन आपकी सेफ रहे, इसके लिए मैं आपको एडवाइस करूँगी आप प्रोफेशनल जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं अच्छी कंपनी के प्रोडक्ट्स लें। उससे क्या होगा, रिजल्ट भी अच्छा आएगा और आपकी स्किन भी सेफ रहेगी। अगर आपके बजट में आता है HD प्रोडक्ट्स तो आप वो ले सकते हैं, बट कुछ रेंज नीचे भी होती है, जैसे कुछ है मैं बताऊंगी कि क्रायलन का है, उसमें मैं एक वीडियो बना दूंगी जिसमें कुछ बेसिस होंगे और उनके नंबर्स होंगे आपके कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से, जिसमें आपको ढूंढने में थोड़ा इजी रहेगा। तो ये तो है आपका मेकअप का टिप्स कि आपको प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स लेने हैं, और जब भी आप प्रोडक्ट्स लें तो आप उनकी एक्सपायरी चेक करें, अगर बहुत मतलब उनकी पैकिंग फ्रेश होनी चाहिए, 1 या 2 महीने पहले की होनी चाहिए, ज़्यादा पुरानी पैकिंग ना लें, क्योंकि जितने भी मेकअप के प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी एक्सपायरी डेट 3 ईयर्स होती है, तो एटलीस्ट 3 ईयर्स तक तो आप उसको यूज़ कर सकें। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब हम बात करते हैं फुटवेयर की। फुटवेयर में क्या है, आपको कंफर्टेबल फुटवेयर लेने हैं, ज़्यादा चमक धमक वाले या कुछ ऐसे फुटवेयर ना लें, क्योंकि शादी एक ही दिन की होती है, और उसके लिए आप एक अच्छा सा अपना फुटवेयर खरीद सकते हैं, क्योंकि कई हम नहीं पहन पाते, तो एक अच्छा 1 या 2 आप अपना फुटवेयर बनवा सकते हैं, अच्छे वाला जो कुछ ऐसा हो फंक्शन में आप पहन सके। कुछ आप फॉर्मल टाइप के लीजिए, क्योंकि शादी के बाद क्या हमें मार्केट भी जाना होता है, छोटे मोटे फंक्शंस भी अटेंड करने पड़ते हैं, कभी किसी के घर लंच है तो कभी डिनर है, तो इस टाइप के कंफर्टेबल आप लें, हील ले सकते हैं, फ्लैट में लीजिए, और घर के लिए भी अपने एक स्लीपर ज़रूर लीजिएगा, ये आपके और सब कंफर्टेबल। एक शूज़ का पेयर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम घूमने जाते हैं तो कई बार चलना पड़ता है। मेरे साथ यही हुआ था कि हमारा होटल काफ़ी दूर था मार्केट से,
तो कई बार हम ऑटो से या टैक्सी से भी आए, बट एक दिन हस्बैंड ने बोला कि भावना आज हम लोग ना पैदल चलते हैं घूमते घूमते शाम को। तो मैंने बोला ठीक है, हम लोग निकल पड़े। अब मेरे साथ क्या हुआ, मैं तो ज़्यादा घूमने फिरने वाली नहीं हूँ, ज़्यादा चल भी नहीं सकती। थोड़ी दूर चली और मैं तो हाँफना शुरू हो गई। मैंने बोला विशाल ऑटो करो, कुछ भी करो, मैं अब नहीं चल सकती। कोई बात नहीं, तो सब कुछ खरीदा वहाँ से, शॉपिंग करी, बट दिमाग में उस टाइम में ये नहीं आया कि मैं एक शूज़ खरीद लूँ, क्योंकि बहुत दूर दूर चलना पड़ता है। हम घूमते 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 ही रहते वहाँ पे सब, मतलब जब घूमने जाते हैं तो घूमते घूमते मार्केट में घूम रहे हैं, कहीं इधर जा रहे हैं, कहीं उधर जा रहे हैं। तो उसके लिए शूज़ होना बहुत ज़रूरी है, उससे आपके पैरों में दर्द नहीं होगा, कोई थकान नहीं होगी और एकदम आप फ्रेश रहेंगे। और जब थकान नहीं होगी तो घूमने का भी मज़ा आएगा। तो ये एक बहुत अच्छी टिप है जो मैं आपको स्पेशली देना चाहती थी। और ये फिर हम बात करेंगे, आपको अपनी पैकिंग 1 मंथ पहले अपनी पैकिंग कर लेनी चाहिए उन सामान की, जो सामान जैसे कुछ बेसिक्स हमारी नीड्स है। शॉपिंग करके अपने उन पैकिंग्स को आप अलग करते जाइएगा। और अपना लहंगा जो आपको वेडिंग के दिन, चाहे वो आपका मेकअप हो, आप सैलून की बुकिंग हो, या फिर आपका ड्रेस हो जो आपने पहनी है, वो आप एटलीस्ट 15 डेज़ पहले अपनी शादी से उसको रेडी करवाएं और उसको पहन के देखें। एक मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ। एक ब्राइडल को मैं रेडी करने के लिए गई, तो उन्होंने जब लहंगा पहना, ब्लाउज़ पहना, तो वो इतना टाइट था कि जैसे ही वो पहनने लगी तो उनका वो साइड से पूरा फट गया। अब उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते थे, रात को ना तो कोई टेलर है ना कोई आसपास कुछ था, तो मैंने उसको पिन से उसके ब्लाउज को एडजस्ट किया। लेकिन वो, उसका मन ख़राब हो गया लड़की का कि मैंने इतना प्यारा महंगा लिया, सॉरी लहंगा लिया, और वो ऐसे ख़राब हो गया। तो मेरी स्पेशली आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपनी ड्रेस को, अपने स्लीपर्स को पहन के देखिए। स्लीपर्स आपके कंफर्टेबल होने चाहिए। आप 10 पेयर ना लेके 4 पेयर लीजिए शूज़ के और स्लीपर्स के, बट वो कंफर्टेबल होने चाहिए। तो कंपनी के आप लीजिए। अगर आपको ज़्यादा ऊंची रेंज में नहीं जाना तो रिलैक्सो में बहुत अच्छे अच्छे हील्स वाले और उस वाले स्लीपर्स आते हैं, 1000, 1500, 2000 की रेंज में, बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं। मैं खुद वही पहनती हूँ डेली यूज़ में भी, अपने वही पहनती हूँ, हील्स भी उसी की पहनती हूँ, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। जो अनकंफर्टेबल होते हैं उसको मत लीजिए, हो सकता है रिलैक्सो में भी कोई अनकंफर्टेबल हो, बट आप चेक करके लीजिए। तो उस दिन आपको फ्रेश रहना है, आपकी नींद प्रॉपर होनी चाहिए, और आपकी पैकिंग, हर एक चीज़ की पैकिंग आपकी पहले से ही हो जानी चाहिए। आपको अगर आपका वेन्यू दूर है तो उसके लिए आप अलग से, जैसे कि आपका अपना बैग, अपनी ड्रेसेस का, कि मेरे को ये पहनना है उस टाइम ये, तो उस हिसाब से आप रखिए कि बाद में ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, वो सब नहीं होना चाहिए। तो वो पैकिंग आपकी 1 वीक पहले आपकी सारी पैकिंग हो जानी चाहिए। उससे क्या होगा, आप कंफर्टेबल रहेंगे, टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि जब हम शादी होती है, मेकअप करवाते हैं, तो एक थकान और टेंशन, वो मेकअप इसको नहीं कवर कर पाता। तो ये कुछ बेसिक से टिप्स हैं आपके लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कुछ और ऐसी वीडियो बनाऊं, किसी और टॉपिक पे आप मेरे से जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में डालिए। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, सी यू सून।